Hello everyone. Very good afternoon. Greetings to all and welcome to TestBook.com. My name is Yu Tiwari and hope you are doing well. Yes, Abhilash. I hope your sound is okay. There is no problem with the sound. Yes, yes. Everything is fine. चलिए गाइस, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन और बेहतरीन सेशन हम लोग कवर करने जा रहे हैं गाइस। एसएससी आईएमडी जो साइंटिफिक असिस्टेंट की वैकेंसी आई हुई है, इसके लिए हम लोग डेली मंडे टू फ्राइडे सेशन कवर करते हैं आपका आफ्टरनून में 1 PM पर। और ये 1 PM पर जो सेशन होता है, याद रखिएगा, इसमें हम लोग सभी सब्जेक्ट कवर करने का ट्राई कर रहे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी, ठीक है। एवरी सब्जेक्ट वी विल ट्राई टू कवर, ठीक है। और साथ में इसमें साइंस और स्टैटिक और करंट अफेयर की भी क्वेश्चन सेट करने का प्रयास करेंगे। सो हमने इसमें जो स्टार्ट किया था, दैट इज अ मॉक टेस्ट, ठीक है। एंड ऑलरेडी 2 सेशंस ऑन द मॉक टेस्ट ऑलरेडी कवर्ड, और आज हम लोग थर्ड मॉक टेस्ट कवर करने जाएंगे। और इसमें भी हर एक सेशन की तरह, याद रखिएगा, देर आर टोटल 50 to 60 क्वेश्चन, ठीक है। तो जो टोटल हम लोग क्वेश्चन इंक्लूड किए हुए हैं, दे आर 50 to 60 क्वेश्चन। और ये जो भी आपके क्वेश्चन हैं, याद रखिएगा, ये सब आपके हैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी पर, ठीक है, पॉलिटी और इकोनॉमी पर, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और सेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं सभी को बोलूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक द सेशन एंड शेयर द सेशन, ठीक है। तो एक बार सेशन को जल्दी से फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिएगा, सो दैट अदर कैंडिडेट कैन ऑल्सो ज्वाइन इट। इसके बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मालूम ही है, ठीक है। एग्जाम की अगर हम लोग बात करने जाएं दोस्तों, तो याद रखिएगा, जो एग्जाम है इसका, दैट इज अ 14th and 16th December। तो दिसंबर में इसका ऑलरेडी एग्जाम है जो फिक्स किया जा चुका है, जिसके लिए आपने तैयारी करनी है। और इसमें जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है, दैट इज अ टोटल 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स, ठीक है। सो जनरल अवेयरनेस का टोटल 25 क्वेश्चंस का वेटेज रहने वाला है। बाकी यू कैन डाउनलोड ऑल द PDF ऑफ दिस सेशंस फ्रॉम द टेलीग्राम ग्रुप, और टेलीग्राम ग्रुप का नाम याद रखिएगा, दैट इज @ सुसर टेस्टबुक, ठीक है। तो इस टेलीग्राम ग्रुप को एक बार जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और इसका नाम जरूर याद रखिएगा, दैट इज @ सुसर टेस्टबुक, ठीक है। आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। बाकी आप डेली जुड़ सकते हैं मेरे साथ मास्टर क्लास में, और ये जो डेली आपकी मास्टर क्लास होती है मंडे टू फ्राइडे 3 PM पर होता है दोस्तों सेशन, ठीक है। तो आप इसमें जरूर अटेंड करें, हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करते हैं। और अपनी आप प्रिपरेशन के लिए जुड़ सकते हैं टेस्टबुक सुपर कोचिंग के कंबाइंड कोर्सेज के साथ, जहां पर AEJEE, DRDO और SSCIMD, ये सभी कोर्सेज आपको बेहतरीन डिस्काउंट के साथ अवेलेबल है। सो यूज करिए कूपन कोड, दैट इज SHIVKT, टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है। सो आप इस कूपन कोड का इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन कि कौन सा है। तो ये रहा दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, ठीक है। जरा बताइएगा किस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, विच ऑप्शन इज करेक्ट। पूछा गया कि विच आर्टिकल इज कॉल्ड एज द हर्ट एंड साउल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। धनेश्वर, हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून। सौरभ, मोनिका, किशोर, यस गाइस, तो सभी को ग्रीटिंग्स। So that is Article 17, Article 23, Article 24 and 32. So which option is right? इसमें किस option के साथ जाएंगे आप? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या फिर 4? Which option is correct? So guys, अगर हम लोग इसमें देखने जाएं, so Article, I hope you know that Article 17 that define about the untouchability, ठीक है? Article 17 that define about the untouchability. Article 17 that define about the untouchability. Article 23 and 24, ठीक है, right to exploitation against, आपने वो पढ़ा होगा, ठीक है, right to freedom against exploitation की बात करता है, ठीक है। तो right to freedom against exploitation इसमें define किया गया है, right to freedom against exploitation, एंड दूसरा अगर हम लोग देखने जाएं लास्ट में, आर्टिकल 32 दैट डिफाइन अबाउट हार्ट एंड साउल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यस। सो आई होप कि यू हैव वेरी वेल नो अबाउट इट, डिफाइन अबाउट द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये किसके बारे में भी बात करता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज,
संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में बात करता है और इसी को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या बोला है, ठीक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कॉल इट डॉट इज अ हार्ट एंड साउल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसको जो बाबा साहेब अम्बेडकर हैं इन्होंने जो नाम दिया है दैट इज द हार्ट एंड साउल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आई होप कि याद रहेगा सभी को दोस्तों। और आर्टिकल 32 देन ऑल्सो डिफाइन अबाउट द, बताइए किसको भी डिफाइन करता है, एवरीवन, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की हम लोग पढ़ते हैं रिट्स पावर, तो ये जो सुप्रीम कोर्ट की रिट्स पावर है दो ऑल्सो डिफाइन इन आर्टिकल 32। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन अगला देखते हैं हम लोग कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच वॉज द फर्स्ट कंट्री टू इशू द पेपर करेंसी, तो विश्व में सबसे पहले पेपर करेंसी इशू करने वाला देश कौन सा था, जापान, चाइना या अमेरिका, ठीक है। तो विच वन इज राइट, इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, विच वन इज करेक्ट, ठीक है, 1, 2, 3 एंड 4। तो देखिए चाइना फर्स्ट इन्वेंटेड, ये याद रखिएगा दोस्तों, चाइना फर्स्ट इन्वेंटेड पेपर, चाइना ही ने ही सबसे पहले पेपर, ठीक है, चाइना फर्स्ट इन्वेंटेड पेपर अगर हम लोग बात करने जाएं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा देखिएगा कि इसका सही आंसर किस तरीके से होगा, तो देखिए अगर इसमें हम लोग बात करने जाएं, सो एवरीवन नो अबाउट इट दैट चाइना इन्वेंटेड पेपर फर्स्ट, ठीक है। अगर चाइना ने सबसे पहले पेपर को इशू किया तो अगर आपने एक शासक का नाम पढ़ा हो कुबलई खान, ठीक है, तो कुबलई खान के समय में सबसे पहले कागजी मुद्रा इशू करने का प्रयास किया गया, पेपर करेंसी इशू करने का प्रयास किया गया। और इसी के समकालीन जो कंटेम्पररी इंडिया में किंग था दैट वॉज द मोहम्मद बिन तुगलक, सो मोहम्मद बिन तुगलक वॉज द कंटेम्पररी किंग हु रूल्ड इन इंडिया दैट टाइम, ही इंट्रोड्यूस द टोकन करेंसी। तो जब चाइना में याद रखिएगा पेपर करेंसी आई, उसी समय भारत में क्या आई थी, टोकन करेंसी दैट इंट्रोड्यूस बाय द मोहम्मद बिन तुगलक। अब व्हाट वॉज द रीजन बिहाइंड टू इंट्रोड्यूस द पेपर करेंसी, जब ये रीजन क्यों था, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था याद रखिएगा शॉर्टेज ऑफ सिल्वर। तो उस समय हुआ क्या कि जो पूरे वर्ल्ड में सिल्वर का क्या हो गया, शॉर्टेज हो गया, सिल्वर सप्लाई शॉर्ट हुई, और सिल्वर सप्लाई होने की वजह से चाइना अपने देश में पेपर करेंसी लेके आ गया और इंडिया में क्या आ गया याद रखिएगा, दैट वाज द टोकन करेंसी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग जो राइट आंसर टिक करने जाएंगे, इस क्वेश्चन में हम लोग जो राइट आंसर टिक करने जाएंगे दैट इज अ ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन 3 इज करेक्ट, जो गलत दिया है याद रखिएगा ये रॉन्ग है, ठीक है, ठीक है, हाँ ये राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में पूछा गया है कालीबंगन सिविलाइजेशन वॉज एक्सकवेटेड बाई हूम, अमलानंद घोष है, रत्नचंद अग्रवाल है, रत्नलाल मिश्रा है या फिर नन ऑफ द अबव। कालीबंगन, लोकेटेड इन राजस्थान, ठीक है, और फाइंडिंग्स ब्लैक बंगाल्स एंड यू कैन से फायर अल्टर्स एंड यू कैन से दैट वाज अनदर बोन्स ऑफ कैमल्स। तो यहां की हमको फाइंडिंग्स क्या मिली हैं, बोन्स ऑफ कैमल्स, फायर अल्टर्स, ब्लैक बंगाल्स, और इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज द ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, ठीक है, दैट इज अ, हाँ याद रखिएगा अमलचंद घोष, ठीक है, अमलचंद घोष इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जरा अगला सवाल, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि द एसआई यूनिट, ठीक है, द एसआई इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट लेंथ इज हाउ मच, सेंटीमीटर, मिलीमीटर या किलोमीटर, विच ऑप्शन इज राइट। मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर या किलोमीटर, विच ऑप्शन इज राइट। सो द राइट आंसर दैट इज अ मीटर इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन 1 इज करेक्ट।
ठीक है, ऑप्शन वन इज करेक्ट। आई होप कि यू गॉट द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन वन इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछा गया कि विच फोर्ट वॉज नोन एज द सुंदरगढ़ फोर्ट। तो निम्नलिखित में से हम लोग किस किले को सुंदरगढ़ किले के नाम से जानते हैं, सुदर्शनगढ़, सॉरी दैट इज आज सुदर्शनगढ़। तो अमंग द फॉलोइंग विच फोर्ट इज नोन एज अ सुदर्शनगढ़ फोर्ट, नाहरगढ़ फोर्ट, आमेरगढ़, मेहरानगढ़ या फिर जैसलमेर। तो निम्नलिखित में से किसको हम लोग सुदर्शनगढ़ फोर्ट के नाम से जानते हैं, और इसमें से जो करेक्ट आंसर है दैट इज अ नाहरगढ़। याद रखिएगा, नाहरगढ़ इज राइट। ठीक है, तो इसमें से हम लोग जो करेक्ट आंसर टिक करने जाएंगे मित्रों, दैट इज अ नहरानगढ़। याद रखिएगा, इज राइट आंसर। ठीक है, नहरानगढ़ इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन बोरोड फ्रॉम विच कंट्री। तो भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों DPSP किस देश से उधार लिए गए हैं, इसमें से आप किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, वन होगा, टू होगा, थ्री होगा या फिर फोर। दोस्तों आई होप कि यू लर्न अबाउट द आर्टिकल पार्ट फोर, आपने पार्ट फोर के बारे में पढ़ा होगा, आर्टिकल 36 से हाउ मच 51। ठीक है, आर्टिकल 36 से 51, ठीक है, आपने पढ़ा होगा दैट डिफाइन अबाउट द वेलफेयर ऑफ स्टेट। ये किसके बारे में बात करता है, वेलफेयर ऑफ स्टेट के बारे में बात करता है। ठीक है, और ये क्या है हमारे DPSP, तो DPSP आर बोरोड फ्रॉम विच कंट्री, सो द राइट आंसर इज द आयरलैंड। ठीक है, तो ये जो हमने लिए हैं कहाँ से लिए हैं, आयरलैंड। सो देर आर थ्री थिंग्स विच बोरो फ्रॉम द आयरलैंड। फर्स्ट वन इज द DPSP, तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व, जिसमें आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, पंचायत सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, इंडिपेंडेंट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, है ना, इंटरनेशनल पीस एंड जस्टिस के बारे में देखते हैं। ठीक है, अच्छा, और दीज आर द नॉन जस्टिसेबल। अच्छा, वी ऑल्सो टेक इन फ्रॉम द प्रेसिडेंट इलेक्शन प्रोसेस। तो जो प्रेसिडेंट, याद रखिएगा, इलेक्शन प्रोसेस है, प्रेसिडेंट इलेक्शन प्रोसेस दैट इज ऑल्सो बोरो फ्रॉम आयरलैंड। एंड एंड द लास्ट वन, ठीक है, द लास्ट वन याद रखिएगा, दैट इज अ सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन इन राज्यसभा। सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन इन राज्यसभा दैट इज ऑल्सो टेकन फ्रॉम द आयरलैंड। आई होप कि इतना क्लियर है। ठीक है, अच्छा, ब्रिटेन से, तो आई होप कि आप सभी जानते हैं कि ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया है। ठीक है, ब्रिटेन से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है, ठीक है, पीएम का पद लिया है, प्रेसिडेंट का पद लिया है, ठीक है, लोअर हाउस इज मोर पावरफुल देन अपर हाउस लिया है हमने, ठीक है, आप ये सभी जानते हैं। ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप जो ली है वो हमने यूके से ही ली है। ठीक है, यूएसए से तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि यूएसए से हमने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिया है, प्रियम्बल लिया है यूएसए से, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट का पद लिया है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम लिया हुआ है, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट का पद आपके यहाँ से लिए गए हैं, फंडामेंटल राइट हमने लिए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें यूएसए से हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ मेजर ध्यानचंद। ठीक है, सो मेजर ध्यानचंद आई होप कि सभी जानते हैं कि 29 अगस्त जो है इनका DOB ऑब्जर्व किया जाता है भारत में, और हॉकी के जादूगर जान रहे हैं ये, और इनके नाम का एक स्टेडियम भी लोकेटेड है, याद रखिएगा, वो कहाँ पर है, मेरठ। याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है कि इनका जो डेट ऑफ बर्थ रहा है वो कहाँ पर रहा है, मेरठ में। और ट्रुथ, गायत्री, सौरभ, किशोर, वेरी गुड गाइस, सभी लोग आंसर कर रहे हैं यहाँ पर, अनिशा, सुमित्रा। ठीक है, सो द राइट आंसर इज दैट इज अ ऑप्शन, ठीक है, सेकेंड इज द राइट आंसर। ठीक है, दैट इज अ सेकेंड इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इनकी जो बायोग्राफी है, याद रखिएगा, ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, दैट इज अ गोल, और 29 अगस्त दैट इज ऑब्जर्व एज अ स्पोर्ट डे, आप सभी जानते हैं कि दैट इज ऑब्जर्व एज अ स्पोर्ट डे। एंड मेजर ध्यानचंद अवार्ड इज द हाइएस्ट अवार्ड एट प्रेजेंट इन द स्पोर्ट कैटेगरी। तो स्पोर्ट कैटेगरी में इनके नाम का आज के समय में सबसे हाइएस्ट अवार्ड दिया जाता है, क्योंकि अगर सबसे हाइएस्ट अवार्ड की हम लोग बात करने जाएं, सो दैट वॉज द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, बट राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड एट प्रेजेंट रिनेम्ड इन टू द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो था वो हमारे भारत का सबसे बड़ा स्पोर्ट का अवार्ड हुआ करता था, लेकिन उसका नाम बदल करके अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। हॉकी के जादूगर है और इनके नाम पर एक स्टेडियम बनाया गया है, याद रखिएगा, दैट इज लोकेटेड इन मेरठ, यूपी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा और बताएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है कि विच गैस मेक्स अप द मोस्ट अर्थ एटमोस्फियर। तो दोस्तों अर्थ एटमोस्फियर की अगर हम लोग बात करने जाएं, तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, जितने भी कैंडिडेट कनेक्ट हैं, मैं सभी से बोलूंगा कि एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दें। ठीक है, सेशन को लाइक जरूर करते चले जाएं। ठीक है, सो विच ऑप्शन इज द राइट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, और आप निम्नलिखित में से किसको टिक करने जाएंगे। ठीक है, विच ऑप्शन इज राइट,
तो इस क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, सो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, दैट इज हाउ मच, 78%, ठीक है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, दैट इज हाउ मच, दैट इज एट 21%, ठीक है। और हाइड्रोजन और अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड की बात करने जाएं तो आप सभी जानते हैं लेस देन 1%, ठीक है। तो ये आपके कितने से भी कम है, लेस देन 1%, ठीक है। सो द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन, दैट इज अ नाइट्रोजन इज द राइट आंसर। हाइड्रोजन मिलेगी स्पेस में, अगर आप स्पेस में बात करने जाएंगे तो सबसे ज्यादा आपको क्या मिलेगी, हाइड्रोजन। समझ में आ गया ना, ठीक है। सो इसका जो राइट आंसर है, दैट इज ऑप्शन 1 इज करेक्ट। और ऑक्सीजन की अगर हम लोग बात करने जाएंगे तो आपको करना पड़ेगा यहाँ पर अर्थ सरफेस में, आप या तो अर्थ सरफेस की बात करेंगे या फिर आप क्रस्ट की बात करने जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, दैट इज अ ऑप्शन 4, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वी बोरोड डीपीएसपी फ्रॉम विच कंट्री। सो दैट इज अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, ऑलरेडी हमने ये कवर किया है, तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल ऑक्सीजन डिस्कवर्ड बाय द प्रिस्टले, यस बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। इसमें से राइट आंसर क्या होगा, अमेरिका, जापान, जर्मनी, आयरलैंड। सो द राइट आंसर, दैट इज अ ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑलरेडी कवर्ड है, जर्मनी से हमने क्या क्या लिया है, सो आई होप कि जर्मनी से आप सभी जानते हैं सस्पेंशन, हम लोग बात करते हैं ऑफ फंडामेंटल राइट, तो जो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट होते हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये हमने कहाँ से लिए हैं, जर्मनी। तो इमरजेंसी के समय फंडामेंटल राइट का जो सस्पेंड करने का प्रोसेस है, ये हमने जर्मनी से लिया है, ठीक है, ऑलरेडी आपको मालूम है। और अमेरिका से क्या क्या चीजें ऑलरेडी हमने बोरो की हैं, ये ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे एक चीज मैं आप सभी को इन्फॉर्म कर दूं दोस्तों, कि आप अपनी एग्जाम के लिए याद रखिएगा, जुड़ सकते हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग कोर्सेज के साथ, और यहाँ पर आपके बेहतरीन कॉम्बो कोर्सेज, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का ये सवाल है कि सर हमको एक ऐसा कोर्स चाहते हैं जहां पर हमको कंबाइन सारी चीजें अवेलेबल हो जाए। तो दोस्तों याद रखिएगा कि टेक्स्ट बुक जो है सुपर कोचिंग आपके लिए इसी तरह का कोर्स लेकर के आया है जिसमें सारी चीजें अवेलेबल है, ठीक है। सो बहुत सारे कैंडिडेट का यह सवाल रहता है, तो देखो सबसे पहले तो सेशन को लाइक कर देना जिन्होंने अभी भी लाइक नहीं किया, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए, सो दैट आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलेंगे। फिर आपको जाना है यहाँ पर, आप ये जाएंगे ना डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप इसके कमेंट सेक्शन में भी जाएंगे तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी दोस्तों, ठीक है। तो आप ये देख पा रहे होंगे ये पूरी प्लेलिस्ट है ना, और यहाँ से आप मास्टर क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ये देख पा रहे होंगे आप AEJEE DRDO और आपका कौन सा SSC IMD, ठीक है। तो आप ये देख पा रहे होंगे ये सारे टीचर्स हैं जो आपको यहाँ पर पढ़ाने वाले, यहाँ पर आएंगे तो SSC IMD का कोर्स मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। सो निम्बस लर्निंग आप देख पा रहे होंगे, सैलेंद, ठीक है सर, और ये पंकज सर, तो ये सभी टीचर्स के आपको प्रॉपर कोर्स मिल जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स है और नॉन टेक्निकल का पार्ट है, फिजिक्स का पार्ट है याद रखिएगा दोस्तों, है ना, साइंस का भी सेक्शन है, कंप्यूटर साइंस का, तो आप ये सारे सब्जेक्ट देख पाएंगे। इसके अलावा आपको अलग से बहुत सारे याद रखिएगा सेशंस मिलने वाले हैं, डाउट सेशन मिलेंगे, रिवीजन सेशन मिलेंगे, प्रॉपर स्ट्रेटजी मिलेगी, गाइडलाइंस मिलेंगे, ठीक है। तो इन सभी सेक्शंस का प्रॉपर बेनिफिट उठा सकते हैं, बस इसमें से आपको किसी एक पर्टिकुलर इसको मतलब जो है फॉलो करना है, और जब भी आप पेमेंट करने जाएं तो सिंपली जो कूपन कोड यूज करना है वो याद रखिएगा, दैट इज SHIVKT टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है। तो दोस्तों आप इस कूपन कोड का यूज कर सकते हैं टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट, और इसको एनरोल कर लिए और बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए, बाकी डेली हम लोग सेशंस कवर कर ही रहे हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, की इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम द स्पीड ऑफ द साउंड विल बी द मैक्सिमम, ठीक है। सो विच ऑप्शन इज राइट, सो एयर, वाटर, स्टील एंड कैरोसिन, सो विच ऑप्शन इज राइट अमंग द फॉलोइंग। यस वेरी गुड आफ्टरनून गाइज, वेरी गुड आफ्टरनून। सो द राइट आंसर, ठीक है, द राइट आंसर दैट इज अ ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, ठीक है, स्टील इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील दैट मीन्स हम लोग बात कर रहे होंगे सॉलिड, तो क्लियर सी बात है कि जो स्टील है आपका कौन सा पार्ट है, सॉलिड है, तो सॉलिड में साउंड कैसा हो जाएगा, डेफिनेटली हाई होगा, ठीक है। ये दो जो दो चीजें हैं ये आपकी लिक्विड है, तो लिक्विड में आप सभी जानते हो और वैक्यूम में तो वैसे भी नहीं होता, ठीक है। अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉक ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड द ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। तो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस तत्व को संक्रमण तत्व बोला जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जरा बताइएगा, डी ब्लॉक होगा, एफ ब्लॉक होगा, एलिमेंट्स हो जाएंगे, या फिर एस ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, और निम्न में से आप किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, यस दैट इज द ऑर्डर ऑफ द साउंड ऑफ द स्पीड ऑफ द साउंड, ठीक है। सो द राइट आंसर दैट इज द ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है, डी ब्लॉक इज द करेक्ट ऑप्शन। जो जो भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो सब आपके किस में पाए जाते हैं, डी ब्लॉक में ही पाए जाते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, बाई विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, अमेंडमेंट द वर्ड इंटरनल डिस्टर्बेंस वॉज रिप्लेस्ड फ्रॉम आर्म्ड रिबेलियन। सो आई होप कि
दिस इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड मिस यूज, याद रखिएगा, दिस वर्ड वॉज, याद रखिएगा, मिस यूज ड्यूरिंग, ठीक है, ड्यूरिंग याद रखिएगा, 1975 टू 77 इमरजेंसी, ठीक है। तो 1975 से लेकर के 77 इमरजेंसी के टाइम पीरियड पर याद रखिएगा इस वर्ड का बहुत ही ज़्यादा मिस यूज किया गया, और इंदिरा गांधी जी ने इसी शब्द का इस्तेमाल करके इमरजेंसी इम्पोज कर दी, ठीक है। तो उस समय जब बाद में न्यू गवर्नमेंट आती है ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ मोरारजी देसाई, ठीक है, तो याद रखिएगा जब नई सरकार आती है और मोरारजी देसाई आपके पीएम बनते हैं, तो मोरारजी देसाई के पीएम बनते समय याद रखिएगा जो नई सरकार आई, दैट वॉज द 44th अमेंडमेंट टेक प्लेस। तो 44th अमेंडमेंट, एक तो याद रखिएगा राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव्ड, तो एक तो हमने राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव किया, ठीक है, तो राइट टू प्रॉपर्टी जो था दैट रिमूव्ड एंड मेड अ लीगल राइट, ठीक है, तो जो आर्टिकल 31 है ये रिमूव्ड हो गया। और दूसरा याद रखिएगा कि इंटरनल डिस्टरबेंस की जगह पर, जो इंटरनल डिस्टरबेंस था उसके जगह पर एक नया शब्द आ गया, दैट इज अ आर्म्ड रिबेलन, ठीक है। सो द राइट आंसर इज, द राइट आंसर इज हेयर, दैट इज अ ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट दैट इज रिलेटेड टू द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, दैट इज रिलेटेड टू द अमेंडमेंट इन द प्रियम्बल, प्रियम्बल में तीन नए शब्द आए, सेकुलर, सोशलिस्ट, इंटेग्रिटी, आप सभी को मालूम है, ठीक है। और 44th जो संशोधन था इसके तहत आंतरिक गड़बड़ी को छोड़ हटा करके हमने सशस्त्र विद्रोह ऐड किया, साथ में राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 को हटा करके फंडामेंटल राइट से लीगल राइट ऐड कर दिया अंडर पार्ट 12 और आर्टिकल 300A, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हु इज द, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वेस्ट सेंट्रल जोन ऑफ इंडियन रेलवे, तो पूछा जा रहा है भारतीय रेलवे के पश्चिम मध्य क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर है, भोपाल में, सागर में, जबलपुर में या रीवा में, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा और आप निम्नलिखित में से किस ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक है, वन होगा, टू होगा, थ्री होगा या फिर फोर, सो विच वन इज राइट। वेरी गुड, यस, इसरो का हेडक्वार्टर दैट इज लोकेटेड इन बेंगलुरु एट प्रेजेंट, हु इज द चेयरमैन, एस सोमेश्वरन, ठीक है, एंड एस्टैब्लिशमेंट 1969, ठीक है। सो द राइट आंसर हेयर दैट इज अ ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर, जबलपुर, ठीक है, दैट इज अ जबलपुर, ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द त्रिरत्न इंडिकेट इन द बुद्धिज्म, तो बुद्धिज्म देयर इज अ त्रिरत्न, देयर इज अ त्रिरत्न, ठीक है, एंड इन बुद्धिज्म देर आर फोर आर्यसत्य, आर्यसत्य मीन्स फोर नोबल ट्रुथ, ठीक है, फोर नोबल ट्रुथ, ठीक है, फोर नोबल ट्रुथ, ठीक है, देर इज अ अष्टांगिका मार्ग, ठीक है, देर इज अ अष्टांगिका मार्ग, तो आई होप कि आपने पढ़ा होगा त्रिपिटक, बुद्ध, धम्म एंड संघा, सो बुद्ध एंड धम्म एंड संघा इज द त्रिपिटक इन द बुद्धिज्म, सॉरी इज अ त्रिरत्न इन द बुद्धिज्म, ठीक है, लाइक आपने पढ़ा होगा त्रिरत्न इन जैनिज्म, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, सम्यक विचार, दैट इज अ थ्री ज्वेल्स, दैट इज अ थ्री ज्वेल्स इन जैनिज्म, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, सम्यक विचार, थ्री ज्वेल्स इन जैनिज्म, एंड दैट इज अ थ्री रत्ना इन बुद्धिज्म, बुद्ध, धम्मा और संघा, दीज आर द थ्री रत्ना इन बुद्धिज्म, ठीक है, देर आर फोर नोबल ट्रुथ इन बुद्धिज्म, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सोरो, द मेन कॉज ऑफ सोरो इज डिजायर, ठीक है, सोरो कैन बी एंडेड बाय किलिंग द डिजायर एंड टू किल द डिजायर यू हैव टू फॉलो द अष्टांगिका मार्ग, देर आर फाइव नोबल ट्रूथ इन द जैनिज्म, सत्य, अहिंसा, आस्ते, अपरिग्रह एंड ब्रह्मचर्य, ठीक है, एंड देर आर थ्री लिटरेचर इन द जैनिज्म, दैट इज अ थ्री पिटकाज, ठीक है, सो व्हाट इज द थ्री पिटक, दैट इज अ सुत्त पिटक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, अनदर वन इज द अभिधम्म पिटक, ठीक है, एंड वन वन इज दैट इज अ वन इज दैट इज अ याद रखिएगा विनय पिटक, ठीक है, द लास्ट वन इज द विनय पिटक, ठीक है, सो द राइट आंसर हेयर, द राइट आंसर हेयर दैट इज अ ऑप्शन वन इज द राइट आंसर, सो बुद्धा, धम्मा एंड संघा वर द थ्री थ्री रत्न इन द बुद्धिज्म, ठीक है, एंड व्हाट आर द थ्री रत्न इन जैनिज्म, ठीक है, सम्यक दर्शन, राइट एक्शन, राइट माइंडफुलनेस, ठीक है, और राइट थॉट। नाउ नेक्स्ट, राइट अंडरस्टैंडिंग, विच ऑप्शन इज द राइट आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज ऑल्सो नोन एज द पोंग डैम, तो दिस पोंग डैम इज बिल्ट ऑन लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश, तो द प्लेस ऑफ द पोंग डैम इज इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है, एंड एंड लोकेटेड बिल्ट ऑन ब्यास रिवर, एंड बिल्ट ऑन ब्यास रिवर, ठीक है, सो इट इज बिल्ट ऑन ब्यास रिवर, हीराकुंड डैम, ठीक है,
हीराकुंड डैम दैट इज लोकेटेड इन उत्तराखंड, बिल्ट ऑन द भागीरथी एंड इट इज द हाईएस्ट डैम, याद रखिएगा इट इज द हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया, तो ये सबसे ऊंचा डैम है भारत का। गांधी सागर डैम, ठीक है, सो दैट इज बिल्ट ऑन यू कैन से चंबल रिवर, दैट इज बिल्ट ऑन द चंबल रिवर, ठीक है, चंबल पे बना हुआ है गांधी सागर, ठीक है, दैट इज वेरी पॉपुलर, ठीक है, दैट इज वेरी पॉपुलर। और टेहरी डैम, टेहरी डैम आई होप कि नो नो टेहरी इज द हाईएस्ट, टेहरी इज द हाईएस्ट, दैट इज लोकेटेड इन उत्तराखंड, ठीक है, दैट इज द हाईएस्ट डैम। एंड हीराकुंड इज लोकेटेड, हीराकुंड इज लोकेटेड इन उड़ीसा, दैट इज द लॉन्गेस्ट डैम, ठीक है, सो हीराकुंड दैट इज लोकेटेड इन उड़ीसा, दैट इज लोकेटेड इन उड़ीसा एंड इट इज लोकेटेड इन उड़ीसा एंड दैट इज द लॉन्गेस्ट डैम एंड इट इज बिल्ट ऑन द महानदी रिवर, ठीक है, इट इज बिल्ट ऑन महानदी रिवर। तो हीराकुंड जो डैम है ये महानदी रिवर पे बना हुआ है, उड़ीसा में आपका लोकेटेड है और सबसे लंबा डैम है। गांधी सागर चंबल पे है, महाराणा प्रताप सागर, ठीक है, आई होप कि पोंग डैम का ही दूसरा नाम है, और टेहरी डैम याद रखिएगा उत्तराखंड में भाग हाइएस्ट डैम है, और किस रिवर पर, भागीरथी, इट इज बिल्ट ऑन भागीरथी रिवर, ठीक है, सो आई होप कि नाउ एवरीथिंग इज क्लियर। यस यस, आई होप कि नाउ एवरीथिंग इज फाइन। हाँ चलिए ठीक है, अभी क्लियर है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं। सो पोंग डैम दैट इज बिल्ट ऑन द ब्यास रिवर, लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है, लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश एंड बिल्ट ऑन द ब्यास रिवर, ठीक है, दैट इज नोन एज द महाराणा प्रताप सागर डैम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द मैक्सिमम एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, ठीक है, सो फॉर द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट नो मिनिमम एज इज डिफाइंड, सो देर इज नो क्राइटेरिया ऑफ मिनिमम एज, ठीक है, फॉर द सुप्रीम कोर्ट जजेस देर इज अ नो क्राइटेरिया ऑफ द मिनिमम एज, तो मिनिमम एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, मिनिमम एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम, सो द मैक्सिमम एज फॉर द सुप्रीम कोर्ट जजेस दैट इज अ 65, जजेस फॉर सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, जजेस फॉर सुप्रीम कोर्ट एंड 62 फॉर द जजेस ऑफ हाई कोर्ट, तो ये याद रखिएगा जो हाई कोर्ट जजेस हैं, हाई कोर्ट जजेस के लिए कितना है 62 एंड फॉर द सुप्रीम कोर्ट दैट इज अ 65, ठीक है, बट देर इज नो मिनिमम एज क्राइटेरिया फॉर द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। द मिनिमम जज देर इज अ क्राइटेरिया फॉर प्रेसिडेंट, गवर्नर, वाइस प्रेसिडेंट 35, तो गवर्नर, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के लिए मिनिमम एज 35 चाहिए। लोकसभा सदस्यों के लिए, विधानसभा सदस्यों के लिए मिनिमम एज कितनी चाहिए 25 साल, राज्यसभा सदस्यों के लिए, विधान परिषद के लिए कितनी चाहिए 30 साल, पंचायत सिस्टम के लिए कितनी चाहिए 21 साल, तो इन सब के लिए मिनिमम क्राइटेरिया है बट देर इज नो अपर एज क्राइटेरिया, अपर एज नहीं है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस के लिए अपर एज है, मिनिमम एज नहीं है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिश इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स, तो मछली को खाने से आपको निम्नलिखित में से कौन सा न्यूट्रिएंट्स मिलता है, विच ऑप्शन इज राइट, दैट इज अ प्रोटीन, ठीक है, तो सबसे बड़ा जो सोर्स है फिश वो किसका है, प्रोटीन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि फ्रॉम द बिलो हु इज नोन एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, दैट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये जरा बताएगा कि निम्नलिखित में से कौन है जिसको हम लोग फादर ऑफ सेल्फ लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है, तो ऑप्शंस में से अगर हम लोग देखने जाएं, सो कॉर्नवालिस, ठीक है, कॉर्नवालिस इज नोन एज द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज, ठीक है, इज नोन एज द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, ठीक है, सिविल सर्विसेज इन इंडिया, ही ऑल्सो फाउंडेड यू कैन से द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, तो उसने परमानेंट, याद रखिएगा, सेटलमेंट भी स्थापित किया बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा में, ठीक है। लॉर्ड मायो हिंट डन द फर्स्ट सेंसस, तो भारत का याद रखिएगा जो सबसे पहला जो सेंसस है, जनगणना है, 1872 में डन ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ लॉर्ड मायो एंड ही वॉज ऑल्सो किल्ड, ठीक है, ही वॉज ऑल्सो किल्ड, ही वॉज ऑल्सो किल्ड इन अंडमान निकोबार, ठीक है, लॉर्ड मैकाले, आई होप कि यू नो अबाउट इट, लॉर्ड मैकाले दैट डन द रिकमेंडेशन ऑफ एजुकेशन, सो दैट पर्सन इज रिलेटेड टू द एजुकेशन, ठीक है, अंडर द चार्टेड एक्ट 1833 ड्यूरिंग द लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, सो नाउ द राइट आंसर दैट इज अ लॉर्ड रिपन, ठीक है, दैट इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है, सो इन दिस क्वेश्चन द राइट आंसर इज लॉर्ड रिपन, सो लॉर्ड रिपन को हम लोग क्या मानते हैं, स्थानीय स्वशासन के सुधारों का पितामह बोलते हैं, ठीक है। नाउ अगला क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डिसीजन मेड बाय द आर बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स ऑफ इंडिया, यस डेफिनेटली वी विल ट्राई टू कवर ऑल द इम्पोर्टेंट रेलवे जोन हेडक्वार्टर, देर आर टोटल एट प्रेजेंट 18 रेलवे जोन, ठीक है, देर आर टोटल 18 रेलवे जोन, विल ट्राई टू एड
कवर द रेलवे जोन हेडक्वार्टर्स लोकेशन, ठीक है, येस डेफिनेटली विल ट्राई टू कवर. सो द राइट आंसर इज हेयर, डिसीजन मेड बाई, आई होप कि यू रीड अबाउट द आर्टिकल 129. आर्टिकल 129 क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. सुप्रीम कोर्ट इज हाईएस्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इज हाईएस्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है. सो द राइट आंसर हेयर, द राइट आंसर हेयर दैट इज अ ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज अ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है. सो द डिसीजन गिवन बाई द सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट. तो सुप्रीम कोर्ट कह सकता है कि मेरा वचन ही है मेरा शासन. समझ में आ गया? तो इसको, हाँ बिल्कुल, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट याद रखिएगा, दैट वॉज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ लिटन और रिमूव्ड बाई ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ लॉर्ड रिपन. तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है आपका, आर्म्स एक्ट था, ठीक है, और ये सेल्फ लोकल रिफॉर्म है, इलवरी बिल है, ये सब लॉर्ड रिपन के समय के हैं, ठीक है. नाउ नाउ द सो सुप्रीम कोर्ट डिफाइन इन आर्टिकल, फ्रॉम विच आर्टिकल टू विच आर्टिकल, 124 टू 147, और हाई कोर्ट डिफाइन फ्रॉम 2142, याद रखिएगा, 232, एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जजेस डिफाइन फ्रॉम 233 टू, याद रखिएगा, इन आर्टिकल 233, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका ये कोशिका स्तवक निस्यंद में समान रूप से शामिल नहीं है, ग्लूकोज है, सोडियम क्लोराइड है, क्रिएटिनिन है, या फिर एल्बिनिम एल्ब्यूमिन है, ठीक है, विच ऑप्शन इज करेक्ट. यस वेरी गुड सिटीजनशिप, आई होप कि ये क्वेश्चंस आपने सही कर दिए होंगे, ठीक है, हाँ है ना, और ये सब हमने मोस्टली क्वेश्चंस कवर भी किए थे. अगर आपने करंट और साइंस को भी अच्छे से किया होगा तो आप इजीली कर चुके होंगे इसको. तो विच ऑप्शन इज राइट, जरा बताइएगा कि इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा. तो नाउ द राइट आंसर हेयर दैट इज अ ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन फोर इज राइट, दैट इज अ एल्बिनम, ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों यहाँ पर दोस्तों वही इन्फॉर्मेशन है कि आप अपनी प्रिपरेशन के लिए जुड़ सकते हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग कोर्सेज के साथ, जहाँ पर मोर देन 25 टीचर्स के 17 प्लस वीडियो कोर्सेज, मोर देन 1200 मॉक टेस्ट, 300 प्लस स्टडी पीडीएफ नोट्स, और अंकित सर, रोहित सर, पंकज सर जैसे बेस्ट टीचर्स के आपको प्रॉपर सेशन मिल जाते हैं. साथ में वैभव सर, हर्षित सर और दीपक सर के प्रॉपर आपको यहाँ पर गाइडेंस, पर्सनल इंटरेक्शन, वन टू वन सेशन, ठीक है, ये सारी चीजें मिलती हैं. तो आप इनरोल कर सकते हैं इन, याद रखिएगा, कह सकते हैं 3-in-1 कॉम्बो पैक में, और 3-in-1 दैट मीन्स SSC JEE, DRDO, SSC IIMD, ये सभी बेहतरीन डिस्काउंट के साथ अवेलेबल हैं. तो यूज कीजिए कूपन कोड दैट इज SHIVKT टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है. अगला क्वेश्चन है कि अमंग द फॉलोइंग विच इज नोन एज द डार्क कंटिनेंट, तो आप कह सकते हैं डार्क कंटिनेंट भी है, सेकेंड आप इसको लार्जेस्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट बाई एरिया, तो एरिया के आधार पर भी सेकेंड लार्जेस्ट है, ठीक है. आप इसको क्या भी कह सकते हैं कि इसमें तीनों आपकी रेखाएं गुजरती हैं, यानी कि 0 डिग्री लैटिट्यूड भी है, और 23 याद रखिएगा 1/2 नॉर्थ लैटिट्यूड भी है, और 23 1/2 याद रखिएगा साउथ लैटिट्यूड भी, यानी कि कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा तीनों इसको कट करती है, ठीक है. लेक विक्टोरिया की भी हम लोग बात करते हैं, तो आपको इसमें लेक विक्टोरिया भी मिल जाएगी, ठीक है, इसी में आपको लेक विक्टोरिया मिलेगी, ठीक है. और दूसरा दोस्तों इसमें आपको कलहारी, और साथ में हम लोग सहारा डिजर्ट भी पाते हैं, ठीक है, सहारी सहारा डिजर्ट भी मिलते हैं, याद रखिएगा. और दूसरा इसमें आपको क्या भी मिल जाते हैं, माउंट क्ली मंजारो, ठीक है, तो माउंट क्ली मंजारो के बारे में भी आप पढ़ते ही पढ़ते हैं, ठीक है. सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज अ ऑप्शन सेकेंड इज द राइट आंसर, ठीक है, अफ्रीका इज करेक्ट, ठीक है. तो इस क्वेश्चन में हम लोग जो सही आंसर टिक करेंगे, याद रखिएगा, दैट इज अ ऑप्शन सेकेंड इज राइट. हाँ, इंटरनेशनल डेट लाइन डेफिनेटली दैट इज नॉट पास थ्रू अफ्रीका. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी वर फाउंडेड बाय द बिंबिसारा, तो बिंबिसारा दैट वाज द फर्स्ट ग्रेट किंग ऑफ एंशियंट इंडिया, तो एंशियंट इंडिया का आप पहला ग्रेट किंग कह सकते हैं. देन ही वाज सक्सीडेड बाय द अजात शत्रु, तो आपने पढ़ा होगा ही वाज सक्सीडेड बाय अजात शत्रु, एंड अनादर इंपॉर्टेंट किंग वाज द उदेना. ऑल दे बिलोंग टू द व्हिच डायनेस्टी, ऑल दे बिलोंग फ्रॉम द हरण्यका डायनेस्टी, तो ये सब किससे बिलोंग करते थे, हरण्यका, ठीक है. सो इसमें से अगर हम लोग राइट आंसर की बात करने जाएं, सो दैट इज ऑप्शन 3, नंदा डायनेस्टी, आपने पढ़ा होगा, दैट वॉज द महापद्मनंदा, ठीक है,
दैट वॉज द महापद्म नंदा, ही वॉज द फाउंडर ऑफ द नंदा डायनेस्टी. मौर्य डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाई द चंद्रगुप्ता मौर्य, ठीक है, एंड गुप्ता डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाई द त्रिगुप्ता, ठीक है, बट द रियल फाउंडर इज नोन एज द चंद्रगुप्ता प्रथम, ठीक है. सो चंद्रगुप्ता प्रथम नोन एज द रियल फाउंडर एंड श्रीगुप्ता इज नोन एज द एक्चुअल फाउंडर, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन की विच अमंग द फॉलोइंग प्लेस कम अंडर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट. तो निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा यूनेस्को विश्व विरासत स्थल की सूची में आता है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है, राजा जी नेशनल पार्क है, नन ऑफ द अबव, विच इज राइट? यस, अजातशत्रु सक्सीडेड द थ्रोन बाय किलिंग हिज ओन फादर, दैट वॉज द बिंबिसार. तो अमंग द फॉलोइंग द राइट आंसर दैट इज अ ऑप्शन, ठीक है, दैट इज अ ऑप्शन, यस, सेकेंड इज द राइट आंसर, ठीक है. सो दोस्तों देर आर टोटल 40 यूनेस्को हेरिटेज साइट इन इंडिया, देर आर टोटल 40 यूनेस्को हेरिटेज साइट इन इंडिया, ठीक है, एंड आउट ऑफ द 40, 32 इज द कल्चरल, 7 आर द नेचुरल एंड 1 आर द मिक्सड, ठीक है. सो एक जो है ये आपकी मिक्सड है, जो 7 है याद रखिएगा ये क्या है, नेचुरल है, जो 7 है ये नेचुरल है, और जो 32 है याद रखिएगा ये आपकी क्या है, कल्चरल है, ठीक है, ये आपकी क्या है, कल्चरल है. एक चीज क्लियर है. अच्छा, जिम कॉर्बेट दैट इज लोकेटेड इन उत्तराखंड, याद रखिएगा दैट इज द फर्स्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया एंड इंडियाज फर्स्ट नेशनल पार्क, ओल्डेस्ट नेशनल पार्क, 1936 एस्टैब्लिशमेंट है, तो सबसे ओल्डेस्ट याद रखिएगा 1936, ठीक है. नंदा देवी दैट इज ऑल्सो लोकेटेड इन उत्तराखंड, ठीक है. राजा जी नेशनल पार्क दैट इज ऑल्सो लोकेटेड इन उत्तराखंड, ठीक है. आई होप कि ये सभी को मालूम है, ठीक है. अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपका, अगला सवाल है कि फोर्स ऑफ डिफ्लेक्शन वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई, ठीक है, सो विच ऑप्शन इज राइट? कोरियोलिसिस फोर्स, फेरल फोर्स, थोरंथवेट या फिर कोपन. हाँ, हेले नेशनल पार्क, ठीक है, वॉज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश इन 1936, दैट लेटर रिनेम्ड इन टू द जिम कॉर्बेट. नाउ जिम कॉर्बेट इज ऑल्सो नोन एज द राम गंगा नेशनल पार्क, ठीक है. सो द राइट आंसर इज दैट इज अ ऑप्शन, सेकंड इज द राइट आंसर, ठीक है, सेकंड इज द राइट आंसर, ठीक है. कोरियोलिसिस फोर्स इज रिलेटेड टू द अर्थ रोटेशन, याद रखिएगा ये अर्थ रोटेशन से रिलेटेड है, ठीक है, अर्थ रोटेशन से रिलेटेड है, मूवमेंट ऑफ विंड से रिलेटेड है, दैट इज द कोरियोलिसिस फोर्स. तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, यहां पर चीजें आप डिफरेंट, कोरियोलिसिस फोर्सेज आर डिफरेंट थिंग, ठीक है. सो नाउ द राइट आंसर इज द फेरल. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्ड द लीगल फ्रेज, ठीक है, दैट इज अ मैंडमस, मैंडमस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिट्स का पार्ट है, इट इज द पार्ट ऑफ द रिट्स. सो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट बोथ हैव द राइट्स टू इशू द रिट्स अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट कैन इशू द रिट्स अंडर आर्टिकल 226, ठीक है. सो बाई व्हाट अथॉरिटी, 1, 2, 3 या फिर 4? तो मैंडमस, क्यू आरंटो, सर्टोररी, हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, क्यू आरंटो, सर्टोररी, प्रोहिबिशन, मैंडमस, ठीक है. मैंडमस का मतलब क्या होता है दोस्तों, आई होप कि ये परम आदेश, इफ एनी अथॉरिटी, एनी लीगल बॉडी, एनी लोअर कोर्ट, एनी ट्रिब्यूनल इज नॉट परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज इन अ प्रॉपर मैनर, सो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैन इशू द मैंडमस. मैंडमस का मतलब होता है, हाँ ये याद रखिएगा दोस्तों, मैंडमस का दोस्तों मतलब होता है कि अगर कोई भी लोअर बॉडी या लोअर कोर्ट आपके ड्यूटीज को प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर रही है, तो आप उस स्थिति में उसको आदेश इशू कर सकते हैं कि यू हैव टू परफॉर्म योर ड्यूटीज, दैट इज द मैंडमस. आई होप कि सभी को मालूम होगा, ठीक है, दैट इज अ मैंडमस, ठीक है. चलिए अगला क्वेश्चन है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल इन आसाम. तो वाटरफॉल पूछा जाता है आपका, वाटरफॉल हाईएस्ट पूछा जाएगा, हाईएस्ट इन वर्ल्ड और इन इंडिया.
इन वर्ल्ड याद रखिएगा, दैट इज अ एंजल, और इसका लोकेशन याद रखिएगा वेनेजुएला। इन इंडिया अगर हम लोग देखेंगे तो याद रखिएगा जोग या गरसोपा। ठीक है, तो राइट आंसर इज, ठीक है, दैट इज अ ऑप्शन, सेकंड इज राइट। ठीक है, नौकाही वाटरफॉल याद रखिएगा, दैट इज लोकेटेड इन आसाम, दैट इज लोकेटेड इन आसाम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अनादर क्वेश्चन, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म्ड बाई द केमिकल मेथड इज, तो रासायनिक विधि से निर्मित अवसादी चट्टान का उदाहरण क्या है, जिप्सम है, ग्रेनाइट है, क्वार्ट्जाइट है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। दोस्तों जितने भी लोग कनेक्टेड हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये सेशंस प्रॉपर कंटिन्यू रहें, सो नीड योर सपोर्ट। ठीक है, यू हैव टू शेयर द सेशन, यू हैव टू लाइक द सेशन। ठीक है, जितना आपका सपोर्ट और कॉन्ट्रीब्यूशन हमें मिलेगा, सो दैट हम लोग उतने ही बेहतर क्वालिटी के साथ इन सेशंस को लेकर के आ पाएंगे आपके साथ प्रॉपर एनर्जी के साथ। तो द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन, दैट इज अ जिप्सम इज द राइट आंसर। ठीक है, सो ऑप्शन वन इज करेक्ट। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में पूछा गया है कि द पीरियड हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। गोल्डन एज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गोल्डन एज? ठीक है, तो गोल्डन एज दैट मीन्स इंडिया ग्रो, इंडिया ग्रो या इंडिया डूइंग वेल, इंडिया डू वेल इन एवरी सेक्टर। एवरी सेक्टर मीन्स यू कैन से मैथमेटिक्स, ठीक है, यू कैन से द स्कल्पचर, यू कैन से द मेडिसिन, यू कैन से द साइंस। ठीक है, इन एवरी सेक्टर इंडिया डू ग्रेट। ठीक है, साइंस, यू कैन से द लिटरेचर। ठीक है, तो हर एक क्षेत्र में भारत ने अच्छा किया, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजर। ठीक है, एवरी सेक्टर याद रखिएगा। ठीक है, इंडिया जब मैथ, साइंस, स्कल्पचर, आर्ट, कल्चर, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, एवरी सेक्टर में बेहतर करता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्वर्णिम युग। ठीक है, सो दैट इज द गुप्ता टाइम पीरियड। तो गुप्ता टाइम पीरियड इज नोन एज द स्वर्णिम या गोल्डन एज ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। टाइम पीरियड याद रखिएगा 240 एडी, और यू कैन से इट 240 की जगह आप क्या भी कह सकते हैं 319 एडी, और ये कहां तक जाएगा 595 एडी तक। ठीक है, 595 एडी तक। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दैट हाँ, ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ, तो ये किसका अलॉय है? इसमें आप किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? जिंक एंड आयरन, कॉपर एंड टिन, टिन एंड जिंक, आयरन एंड मरकरी। ठीक है, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सो द राइट आंसर इज, दैट इज अ ऑप्शन, सेकेंड इज द राइट, कॉपर एंड टिन याद रखिएगा, इट्स करेक्ट। तो ये इसमें सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट इज मेड ऑफ। ठीक है, तो जरा बताएगा कि इसका सही आंसर कॉपर, टंगस्टन, एल्यूमिनियम या फिर लेड, विच इज राइट? कॉपर, टंगस्टन, एल्यूमिनियम या लेड। ठीक है, सो द राइट आंसर दैट इज ऑप्शन सेकेंड। ठीक है, सेकेंड याद रखिएगा, इट्स करेक्ट। ठीक है, सेकेंड इज करेक्ट, टंगस्टन इज द राइट आंसर। ठीक है, टंगस्टन इज द राइट आंसर। आई होप कि सभी को मालूम है, ठीक है, कि जो भी आपके इलेक्ट्रिक बल्ब बनाए जाते हैं उच्च गलनांक होता है इसका। ठीक है, सो दैट इज ऑप्शन सेकेंड इज राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकेट्स इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन ए। तो विटामिन ए, इसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, और इसकी वजह से बेरी बेरी रोग होता है, स्कर्वी एंड द करेक्ट आंसर। आई होप कि ये सभी को मालूम है। सो द राइट आंसर दैट इज ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर, दैट इज अ विटामिन बी, सॉरी विटामिन डी, दैट इज ऑल्सो नोन एज द सनसाइन विटामिन। ठीक है, तो ये तो नेचुरली मिलता है, फ्री मिलता है, कि आप सूर्य की रोशनी में खड़े हो जाइए, सो दैट आपकी विटामिन डी की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। ठीक है, विटामिन डी की कमी पूरी हो जाएगी। यस अदिति, वेरी गुड, आई होप कि आपने सही किया होगा। हाँ बिल्कुल, कैल्सिफेरॉल।
ठीक है, कैल्सी फेरोल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन द टू हाउसेस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट ओवर एन ऑर्डिनरी बिल इज रिफर टू। आई ऑर्डिनरी बिल, आई होप कि यू नो अबाउट दैट इज डिफाइंड इन आर्टिकल 107। ठीक है, ऑर्डिनरी बिल दैट इज डिफाइंड इन आर्टिकल 107। देर आर फोर काइंड ऑफ बिल, ऑर्डिनरी बिल 107, मनी बिल 110, फाइनेंशियल बिल 117 और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 368। देर आर टू काइंड ऑफ बिल, वन इज द प्राइवेट बिल, ठीक है, एंड सेकेंड इज द गवर्नमेंट बिल। तो दो तरह के बिल होते हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट, और उसके बाद ये चार कैटेगरी। सो क्लियर सी बात है कि यू हैव टू द राइट आंसर, देर इज अ ऑप्शन, ठीक है, देर इज अ ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर। ठीक है, सो ज्वाइंट सिटिंग हाउस ऑफ द बोथ द हाउसेस और ज्वाइंट सिटिंग हाउस इज डिफाइंड इन आर्टिकल 108, दैट इज बोरो फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया, कॉल बाई प्रेसिडेंट। तो कॉल कौन करेगा? प्रेसिडेंट। सो ज्वाइंट सिटिंग हाउस, समंड हाउस कौन करेगा? प्रेसिडेंट। एंड हु विड बी द हेड? सो हेड कौन हो जाएगा? स्पीकर। ठीक है, सो ज्वाइंट सेशन कॉल बाई द प्रेसिडेंट, हेड वॉज हेड विल बी द स्पीकर और इट इज डिफाइंड इन आर्टिकल 108 एंड द प्रोसेस ऑफ ज्वाइंट सेशन इज बोरो फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया। आई होप ये सभी को मालूम है। ठीक है, तो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में पूछा गया है कि छठ फेस्टिवल एंड सूर्य षष्ठी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। सो छठ पूजा तो सबसे प्रसिद्ध कहाँ पर है? जहाँ पर बाटी चोखा, लिट्टी चोखा खाया जाता है और जहाँ पर जो आपकी नदी है कोशी, उसको सौरो भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, सो दैट इज द ऑप्शन वन इज द राइट आंसर, बिहार इज द राइट आंसर। ठीक है, बिहार इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया गया है, हाँ, पैलियोन्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बोन्स, प्राइमेट्स, फॉसिल्स या फिर बर्ड्स। डेफिनेटली मनी बिल डिफाइन इन आर्टिकल 110 और इन द केस ऑफ मनी बिल, लोकसभा इज पावरफुल देन अपर, याद रखिएगा, अपर हाउस, लोअर हाउस इज पावरफुल देन द अपर हाउस। तो ये सिर्फ राज्यसभा के पास जाता है एडवाइसेस के लिए। ठीक है, तो ये कहलाता है किसका अध्ययन? दैट इज अ स्टडी ऑफ द फॉसिल्स। ठीक है, दैट इज ऑप्शन थ्री इज राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विंड्स इज हॉट एंड ड्राई। तो निम्नलिखित में से कौन सी विंड्स हैं जो हॉट एंड ड्राई होती हैं? चिनूक है और अलाइज मैरीटाइम है, ठीक है, सेकेंड वन बोम है, ठीक है, और या फिर आपकी कैलिमा विंड है। ठीक है, सो विच वन इज करेक्ट? इसमें से राइट आंसर क्या होगा, किस ऑप्शन के साथ जाएंगे हम लोग, 1, 2, 3 या फिर 4, विच वन इज करेक्ट? सो द राइट आंसर इज हेयर, दैट इज अ ऑप्शन, ठीक है, वन इज द राइट आंसर, दैट इज अ चुनू। ठीक है, सो ऑप्शन वन याद रखिएगा इज करेक्ट। तो ये यहाँ पे कैसा हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ऑप्शन वन इज करेक्ट। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड रिसेंटली इन न्यूज, रिसेंटली इन याद रखिएगा, न्यूज अभी हाल ही में ये न्यूज में है और ये इसलिए न्यूज में चल रही है क्योंकि इसका माइग्रेशन हो रहा है, ड्यू टू माइग्रेशन फ्रॉम राजस्थान टू पाकिस्तान। तो ये अभी हाल ही में राजस्थान से माइग्रेट होकर के कुछ पाकिस्तान के एरियाज में देखी गई है ग्रेट बस्टर्ड, इसलिए न्यूज में है। तो गजेला बेनेटी है, कैमलस है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, दैट इज ऑप्शन थ्री इज करेक्ट। ठीक, ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज बिल्ट बाई द राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। तो राष्ट्रकूटा, आई होप कि आपने पढ़ा होगा कि कहाँ पर रूल करती है। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सातवाहन किंगडम, फर्स्ट आते हैं आपके सातवाहन। सातवाहन के बाद कौन आ जाते हैं? चालुक्याज, और चालुक्याज के बाद आते हैं आपके कौन से? राष्ट्रकूटाज। ठीक है, राष्ट्रकूटाज। सो दंती दुर्ग, आई होप कि आपने पढ़ा होगा कि ही वॉज द फाउंडर, दंती दुर्ग वॉज द फाउंडर। ठीक है, और ये क्या थे? फ्यूडल्स ऑफ द चालुक्याज। ठीक है, तो द राइट आंसर दैट इज अ कैलासा टेम्पल। इसमें आप जो टिक करने जाओगे कौन सा हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन वन इज द राइट आंसर, दैट इज अ कैलासा टेम्पल। ठीक है, सो आपने पढ़ा होगा दैट इज अ एलिफेंटा केव्स एंड एलिफेंटा केव्स एंड याद रखिएगा दैट इज वन इज द एलोरा केव्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन में पूछा गया है कि द प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंस्पायर्ड बाई द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के, संविधान की प्रस्तावना से प्रेरित थी, जर्मनी, जापान, फ्रांस या यूएसए, विच वन इज राइट? सो इसमें से आप किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? वन होगा, टू होगा, थ्री होगा या फिर फोर? विच ऑप्शन इज करेक्ट?
आई होप कि दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, दैट इज वेरी सिंपल, दैट इज बोरो फ्रॉम द यूएसए, ठीक है, सो फंडामेंटल राइट, आई होप कि यू नो अबाउट इट, दैट इज अ आर्टिकल, हाउ मच फ्रॉम 12 to 35, 12 to 35, अर्लियर देर वर टोटल 7 फंडामेंटल राइट, बट नाउ हाउ मैनी, टोटल 6 फंडामेंटल राइट, ठीक है, टोटल 6 फंडामेंटल राइट है, राइट टू क्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, एंड लास्ट वन दैट वॉज द राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन 4 इज राइट, ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच स्ट्रेट डिवाइड्स इंडिया एंड श्रीलंका, सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, विच ऑप्शन इज राइट, ठीक है, दैट इज द इंडिया एंड दिस इज श्रीलंका. तो दैट इज वेरी सिंपल है दोस्तों, इसमें से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज अ ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, ठीक है, दैट इज अ पाक स्ट्रेट, ठीक है, दैट इज अ पाक स्ट्रेट इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपका कि फॉर द नेगेटिव वर्क डन द एंगल बिटवीन द वर्क एंड द डिस्प्लेसमेंट इज, वर्क इक्वल टू हम लोग क्या पढ़ते हैं, एफ इंटू डी, यही तो होता है ना, डिस्प्लेसमेंट फोर्स और फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, तो इसमें आप कितना क्या टिक करने जाएंगे, दैट इज अ ऑप्शन, यस दैट इज अ ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, ठीक है, दैट इज ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछा जा रहा है टाइफॉइड एंड, हाँ ये आपका कौन सा है, चोलेरा आर टाइप टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ विच काइंड ऑफ डिसीज, वाटर बोर्न डिसीज है, एयर बोर्न डिसीज है, इन्फेक्शन डिसीज है, या फिर नन ऑफ द, सो आई होप की आसान है, ठीक है, दोनों आपकी किस तरह की डिसीज होती है दोनों को अगर हम लोग काउंट करने जाएं, सो दीज आर द वाटर बॉर्न डिसीज, तो यस बिल्कुल, स्वच्छ पानी आप पिए तभी बेहतर हो पाएगा, तो दैट इज द ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन वॉज फाउंडेड, सो देर इज अ टू ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन एसोसिएशन एंड ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ठीक है, दादा भाई नौरोजी दैट फाउंडेड द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ठीक है, याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी दैट फाउंडेड द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ठीक है, बहुत कंफ्यूजन होता है दोस्तों, अगर कभी पूछा गया इंडियन एसोसिएशन, अगर कभी पूछा गया आपका इंडियन एसोसिएशन, सो इंडियन एसोसिएशन फाउंडेड बाई, याद रखिएगा इंडियन एसोसिएशन फाउंडेड बाई द, याद रखिएगा कौन से, सत्येंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है, सो इंडियन एसोसिएशन वॉज फाउंडेड बाई द सत्येंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है, एंड ईस्ट इंडिया एसोसिएशन वॉज फाउंडेड बाई दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी वॉज द फर्स्ट ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, हु फर्स्ट कैलकुलेटेड द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, ठीक है, हु गेव द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, हु रोट द बुक दैट इज द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ही अपॉइंटेड द थ्री टाइम्स हेड ऑफ INC, ही अपॉइंटेड द थ्री टाइम हेड ऑफ INC, ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट इंडियन हु अपॉइंटेड एज अ मेंबर इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है, सो आई होप कि एवरीथिंग इज क्लियर, ठीक है, दैट इज एवरीथिंग इज क्लियर, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज अ इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डेट, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा और हम लोग किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, दैट इज अ 11th अक्टूबर, 30th नवंबर, 1st अप्रैल और 18th जनवरी, सो विच ऑप्शन इज राइट, वेरी गुड ट्रुथ गायत्री, वेरी गुड गाइज, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, जितने भी कैंडिडेट देख रहे हैं जिन्होंने सेशन को लाइक करके अटेंडेंस मार्क नहीं कर रही है, मैं वंस अगेन एक बार सबको याद दिला दूं, गाइज लाइक द सेशन एंड शेयर द सेशन, ठीक है, सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज अ ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज अ 11th अक्टूबर इज द राइट आंसर, ठीक है, 11th अक्टूबर इज द राइट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इमरजेंसी हैज बीन प्रोमुलगेट इन इंडिया सो फॉर, ठीक है, जरा बताइएगा विच ऑफ द राइट आंसर, ठीक है, तो दोस्तों 3 times हमने इम्पोज की है, आपको मालूम है कि 3 times इम्पोज की गई है, 1962 और 19 याद रखिएगा 1971 एंड 1975 to 77, 3 times इमरजेंसी इम्प्लीमेंट इन इंडिया, तो दोस्तों इसमें से अगर हम लोग बात करने जाएं तो हमारे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू नहीं हुई अभी तक, दैट डिफाइन इन आर्टिकल 360, देयर इज नो फाइनेंशियल इमरजेंसी ऑफिशियली डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट, मैनी टाइम प्रेसिडेंट रूल इम्प्लीमेंट इन इंडिया, तो प्रेसिडेंट रूल तो कई बार इम्प्लीमेंट हो चुका है आर्टिकल 356 में, ठीक है, आर्टिकल 356 में,
हम लोगों ने 19 जब 62 में लगाई थी याद रखिएगा, और 1971 में, तो हमने वॉर की वजह से लगाई थी एक्सटर्नल एग्रेशन, और ये लगाई थी हमने 1975 में इंटरनल डिस्टरबेंस, जिसको हमने अमेंड करके क्या कर दिया गया है दोस्तों, क्या कर दिया गया है, राइट और आर्म्ड रिबेलन, ठीक है, आर्म्ड रिबेलन। तो इमरजेंसी प्रोविजंस दैट इज बोरो फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, एंड सस्पेंशन ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी ऑफ फंडामेंटल राइट दैट इज बोरो फ्रॉम द वीमर कॉन्स्टिट्यूशन, एंड 3 टाइम्स इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड इन इंडिया, एंड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑल द फंडामेंटल राइट सस्पेंडेड एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कि गोवा का निम्नलिखित में से फोक डांस कौन सा है, अमंग द फॉलोइंग विच इज द फोक डांस ऑफ गोवा। तो आई होप यू नो अबाउट व्हाट इज द कैपिटल ऑफ गोवा, दैट इज अ पणजी, ठीक है, एट प्रेजेंट द सीएम दैट इज अ मिस्टर प्रमोद सावंत साहब, ठीक है, सो प्रमोद सावंत साहब इज द सीएम, ठीक है। मांडवी जुआरी आर द रिवर ऑफ गोवा, गोवा दैट इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया ऑन एरिया बेसिस, गोवा हैज द स्मॉलेस्ट कोस्टल लाइन, ठीक है, लार्जेस्ट कोस्टल लाइन दैट इज अ गोवा, सॉरी गुजरात, ठीक है। सो हियर द राइट आंसर इज दैट इज अ ऑप्शन वन इज द राइट आंसर, मांडो इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, मांडो इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड, ठीक है, तो ये निम्नलिखित में से किसका अलॉय होता है, कॉपर और किसका, वन होगा, टू होगा, थ्री होगा या फिर फोर। हाँ यस बिल्कुल, गोवा हैज द हाइएस्ट पर कैपिटा इनकम डेफिनेटली, ठीक है। हाँ गोवा एस्टैब्लिश इन 1987, बट पोर्तुगीज से ये जो लिया गया था याद रखिएगा 1961 में, तो ब्रास है, ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड, तो ब्रास इज एन अलॉय ऑफ याद रखिएगा कॉपर एंड जिंक, ठीक है। सो ऑप्शन वन इज राइट आंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सत्यशोधक समाज वॉज फाउंडेड बाई, सत्यशोधक समाज, गुलामगिरी, दीज वर द इनिशिएटर टू अपलिफ्ट, अपलिफ्ट एससी एंड एसटी कम्युनिटी। ठीक है, सो दैट इज अ ऑप्शन, सेकेंड इज राइट, ज्योतिबा फुले। ठीक है, यस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेव कैन नॉट ट्रांसमिट एनर्जी, तो निम्नलिखित में से कौन सी वेव है जो एनर्जी ट्रांसमिट नहीं करती, विच ऑप्शन इज राइट। आर्य समाज फाउंडेड बाई दादा भाई नौरोजी, सॉरी आर्य समाज फाउंडेड बाई स्वामी दयानंद सरस्वती, और ब्रह्मो समाज फाउंडेड बाई राजा राममोहन राय। सो द राइट आंसर गाइस दैट इज अ ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर, दीज आर द स्टेशनरी वेव्स, ठीक है। तो स्टेशनरी वेव्स मतलब ऑलरेडी आपकी मूव नहीं करेंगी, तो क्लियर सी बात है ये एनर्जी किसी तरह की लिबरेट या इशू करने वाली नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैटल वॉज फॉट बिटवीन द गौरी एंड पृथ्वीराज, ठीक है, तो गौरी अपॉइंटेड द किंग ऑफ गौर किंगडम इन 1173 टू 1206, ठीक है, ये टाइम पीरियड है। सो सबसे पहला इन्वेजन होता है उसका 1175 में याद रखिएगा, और वो एक भट्टी राजपूत के अगेंस्ट में लड़ता है। 1178 में बैटल ऑफ कयाधरा, आई होप कि आपने पढ़ा होगा, बैटल ऑफ कयाधरा, गुजरात का युद्ध लड़ेगा और बहुत बुरी तरीके से पराजित होगा। फिर 1191 और 1192, ठीक है, तो ये हम लोग कौन सा पढ़ते हैं, तराइन, ठीक है, दैट इज अ बैटल ऑफ तराइन, तो तराइन के नाम से जानते हैं। तो पहले में वो पराजित हो जाएगा, दूसरे में जीत जाएगा, फिर लड़ेगा 1194 में चंद्रावर का युद्ध, ठीक है, चंद्रावर जयचंद के खिलाफ, जिसमें वो जीत जाएगा। तो बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में, वो हुआ आपके अवध बंगाल के नवाब और मुगल राजा शाह आलम द्वितीय और किसके बीच में, हेक्टर मनरो के बीच में। खानवा का जो युद्ध होता है दैट इज अ 1527 बिटवीन बाबर एंड राणा सांगा। प्लासी का युद्ध होता है आपका 1757 में याद रखिएगा, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच में। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर, ठीक है। आई होप कि यू गॉट गॉट द करेक्ट ऑप्शन, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन फोर इज करेक्ट, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है कि विच टाइप ऑफ सिटीजनशिप इज प्रोवाइडेड बाई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो सिटीजनशिप आई होप कि यू नो अबाउट दैट इज अ पार्ट सेकेंड, दैट डिफाइन अबाउट द पार्ट सेकेंड, आर्टिकल फ्रॉम 5 टू 11, ठीक है, आर्टिकल फ्रॉम 5 टू 11,
एक्ट कौन सा है, दैट इज अ 1955, ठीक है, और नेचर क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। सो नेचर ऑफ इंडियन सिटीजनशिप दैट इज अ सिंगल, द नेचर ऑफ सिटीजनशिप दैट इज अ सिंगल, एंड इट इज बोरो फ्रॉम, इट इज बोरो फ्रॉम यूके, ठीक है, इट इज बोरो फ्रॉम यूके। सो देर आर टोटल फाइव वेज टू अडॉप्ट, देर इज आर फाइव वेज टू अडॉप्ट इंडियन सिटीजनशिप, एंड देर आर थ्री वेज टू लूज इंडियन सिटीजनशिप, ठीक है। तो तीन तरीके हैं नागरिकता खोने के और पांच तरीके हैं नागरिकता याद रखिएगा प्राप्त करने के, ठीक है। सो राइट आंसर दैट इज ऑप्शन वन, और इट इज बोरो फ्रॉम द, इट इज बोरो फ्रॉम द यूके, ठीक है। सो दोस्तों ये था आज का सेशन, सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। सेशन डेली होता है अंकिता 1 PM पर, आप इसको डेली अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। सो प्लीज लाइक द सेशन एंड शेयर द सेशन, एंड फॉर द PDF ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का नाम है @ सिरसा टेक्स्टबुक, ठीक है। तो इसको ज्वाइन कर लीजिए फटाफट, आपको यहाँ पर मेरे लेक्चर्स मिलते रहेंगे। और बाकी दोस्तों आप ज्वाइन कर सकते हैं यस 3-in-1 पैक, ठीक है, और जहाँ पर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन मिल जाती है। सो आप अपनी स्टडी के लिए प्रॉपर जुड़ सकते हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग कोर्सेज के साथ, जहां पर आपको ये सारे कोर्सेज मिल जाएंगे एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर। सो यूज करें कूपन कोड SHIVKT टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। ये आपका शेड्यूल है, डेली आपका सेशन होता है 1 PM पर इंजीनियरिंग चैनल पर, 3 बजे होती है आपकी मास्टर क्लास, ठीक है। तो इसके लिए जुड़िए दोस्तों, और कल से जो भी हाँ, ड्यूल सिटीजनशिप आप कह सकते हैं USA, और काफी हद तक हम पाकिस्तान में भी कह सकते हैं, तो पाकिस्तान में भी काफी हद तक ड्यूल सिटीजनशिप ही है, ठीक है। सो ड्यूल नेचर भी है जिनका, उनका ड्यूल सिटीजनशिप है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। दोस्तों जरूर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये सेशन कैसा लगा, है ना, और आप अगर किसी अदर टॉपिक्स के साथ भी चीजें कवर करना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। सो मिलते हैं हम लोग अभी आपके टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन में 3 बजे मास्टर क्लास में, और बाकी हम लोग कल मिलते हैं सेम टाइमिंग पर, तब तक दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, एंड यस एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।